लो जी दोस्तों, तुसी मुझ देख रहे हो और सब कुछ सुन रहे हो। खान साहब की जड़ी है दलेरी है, भावें दलेरी करनी पई जिमें भी है, बहरहाल कर तो रहा है ना बंदा, किवें खुल के सामने आ गया, कोई परवाह नहीं कर रहा किसी इदारे की, किसी इंस्टीट्यूशन की, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। इतों ही एक बड़ा लीडर निकलता है, उन्होंने आप की गंद किया, दूजे ने की गंद किया, सारा कुछ बड़ी कैंडिडेटली बाहर रख दिता है आवाम दे, यानी कि हूँ सारा भार जड़ा है आवाम के उत्ते आ गया और बंदा आवाम से लड़ाई करना चाह रहा है। लेट्स सी हूँ की सिचुएशन बनती है। तो साड़ी जी आवाम है सो कॉल्ड पीटीआई लवर्स, एक उन्हें लिए की कर पाते हैं, उन्हें अपनी ग्रेटनेस इतों तक तो दिखा दीती है कि बहादुरी नाल वाकई दलेरी नाल एक टीपू सुल्तान बन के अपना की पराया की सारा सियासत का गंद जरा बार पावर पॉलिटिक्स की हो रहा है की नहीं हो रहा रख दिता है। दैट इज़ अ पार्ट आई लव ऑफ मिस्टर खान। पॉलिसियाँ भावें जो भी हो खिलाफ हो सकता है, डिफरेंट ओपीनियन हो सकता है, लेकिन बहादुरी के खान साहब भी कमाल है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के बीच कभी भी नहीं होया, नॉट ईवन फ्रॉम कायदे आजम। सो हूँ है सारा पार पाजी पी टी आई लवर्स के उत्ते, वाकई आवाम के उत्ते कि भजन की करते हैं, किमें साथ देते हैं, अगले तो करंतले हुए ने जो कुछ भी है, तुसी सारा मेरे ज्यादा बेहतर जानते हो। तो इस सारे माहौल रिलैक्स करने लिए अगर मैं तुम्हें गाने कोई भेजना तो मकसद ये नहीं कि मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, सिर्फ यही है कि तुसी घट तो घट तकलीफ च होवो, कि ना कि पेन रिलीव होवे, हैप्पीनेस तो खैर दूर की गल है। फिलहाल तो यही प्रोग्राम है चार दिन तक, लेट्स सी अगे किमें चलता है, कौम किमें अगे चल रही है। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।